स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला के YouTube चैनल पे। और आज का लेक्चर नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 13 में और एक टॉपिक जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट किया था, उसका आज सेकंड डे है जहां पे हम लोग लगातार क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने मतलब कल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज और सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की उस सीरीज के बारे में जो हम लोग पूरे के पूरे SSC एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं YouTube चैनल TCS पाठशाला पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पे आगे बढ़ूं, आप लोग जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम लोग क्लासेस का लाभ उन ज्यादातर बच्चों को दे पाए जिनके लिए ये जरूरी है या जिन्हें जिनकी परीक्षाओं में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इससे पहले लास्ट टाइम हम लोग का बात हुआ था कि हम लोग हमेशा क्लास में क्लास को स्टार्ट करने के पहले कुछ एक वकैब का बात करेंगे। तो वैसे तो आज पूरा का पूरा क्वेश्चंस का ही सीरीज है, इसलिए वोकैबुलरी की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हमने कम लिए हैं। लेकिन ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है टू स्पीक वंस माइंड। हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं idioms की, तो हम लोग idioms का बात कर रहे हैं और idioms में ये पहला जो idioms लिखा हुआ है वो है टू स्पीक वंस माइंड। और पूछ रहा है चार लाइनों में से इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हो लेकिन किसी कारण से ना आप ना उसे बोल पा रहे हो, लेकिन एक दिन किसी बात की नाराजगी से या किसी अन्य कारण से मान लीजिए आप क्या करें कि आप वो सारी बातें बोल दें जो आपके मन में अभी तक थी, जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो जब भी कभी बात होता है स्पीक वंस माइंड, तो हमेशा स्पीक वंस माइंड की जब जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स। वैसे तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, टू थिंक अलाउड, टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज। तो इन चारों में से उस ऑप्शन को चुनना है जो ज्यादातर मिलता जुलता हो, किससे, टू स्पीक वंस माइंड। तो यहां से क्या है, आज के बाद कभी भी रिलेट करना होगा कि अपने माइंड की बात को बोलना, मतलब आपके दिमाग में जो जो बातें हैं आप उसे शेयर कर दो। तो इसका मतलब है आपके अंदर जो भी थॉट्स थे स्पीक उसको बोल देना, एक्सप्रेस कर देना, जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा इसका डी। आइए एक आध और वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक मुहावरा होता है जिसे आप बोलते हैं टू यहां पे बात करें या नहीं करें। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। एक मुहावरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं Bring two books. Bring two books. ठीक है, तो bring two books का जो relation होता है, अगर आप अपने बचपने से समझिए, तो जब कभी भी आपको आपके घर के parents या आपके बड़े भाई क्या करते थे, ला करके किताब के सामने बिठा देते थे, कहते पढ़ो। तो bring to books का मतलब है जैसे कभी भी bring to books आए तो उसे पढ़ाई से रिलेट नहीं करना है, बल्कि bring to book एक बच्चे के लिए कैसा काम करता है, एक पनिशमेंट जैसा काम करता है। तो जब कभी भी आज के बाद एक मुहावरा आए कहीं पर जिसका मतलब हो bring to books, इसका मतलब होता है to punish, ना to give punishment, ठीक है, to punish। तो जब कभी किसी व्यक्ति को पनिश करने का बात होता है तो उसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है क्या, bring to books। और इसको रिलेट कैसे रखना है, बच्चों से रिलेट करके रखिए। व्हेन यू bring some boy or girl to books, it means you want to punish them. तो bring to book का मतलब हो जाएगा क्या करना, punish करना, ठीक है। तो इजिली आप इस बात को समझ जाएंगे कि जब कभी भी bring to book का मतलब होगा तो हम किस पे चले जाएंगे, to punish या to give punishment, ये वाले ऑप्शन को देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक और वर्ड है यहां पे लिखा हुआ है to make mountain out of a molehill। ये मुहावरा है और इसको हम लोग चार विकल्प यहां पे दिए गए हैं, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। और पहला विकल्प कहता है कि टू मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का फायदा उठाना। दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, छोटी चीजों को ज्यादा महत्व दे देना। टू गेट इन टू ट्रबल, मतलब कि क्या हो जाना, परेशानी में पड़ जाना।
और एक मुहावरा है कि टू सी अ थिंग विद प्रेजुडाइज माइंड, मतलब कि भेदभाव के नजरिए से देखना। अब बताओ भाई कि कोई भी एक छोटा सा मोल हिल था, मतलब कोई बहुत छोटी चीज थी, आपने उसको क्या बना दिया, माउंटेन बना दिया। तो कहते नहीं चीजों को बड़ा एग्जैगरेट करके बताना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। तो जब कभी भी मुहावरा आता है टू मेक अ माउंटेन ना ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब किसी एक छोटी सी चीज को बड़ा करके एग्जैगरेट करके बताना। तो समटाइम्स क्या ऑप्शन होगा, एग्जैगरेट करके बताना, लेकिन यहां पे एक्चुअली क्या ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि लिटिल थिंग्स को बड़ा ज्यादा महत्व दे देना, ग्रेट इंपॉर्टेंस दे देना। तो लिटिल थिंग्स को ग्रेट इंपॉर्टेंस देना ये कुछ वैसा ही है जैसे मोल हिल को माउंटेन जैसा दिखाना, किसी छोटी सी बात को एग्जैगरेट करके बताना, मतलब बड़ा करके दिखाना, कम महत्वपूर्ण चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताना। ठीक है, तो ये जो इसका विकल्प होगा वो बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। गेट इन टू ट्रबल, अगर गेट इन टू ट्रबल से रिलेट करके कुछ एक मुहावरों की बात की जाए, तो जैसे गेट इन टू ट्रबल से रिलेटेड एक मुहावरा है, कई बार आप देखते होंगे कि गेट इन टू हॉट वाटर, अगर कभी ये मुहावरा आ जाए कि गेट इन टू हॉट वाटर, तो इसका मतलब होता है कि परेशानी में पड़ जाना। आप इसको अपने से रिलेट करके देखिए, अचानक से अगर आप कहीं जा रहे थे और एक कहीं गर्म पानी रहा हो कड़ाही वड़ाही में, और अचानक आप गिर जाएं या कोई और व्यक्ति उसमें गिर जाए, तो जब आप उस चीज में गिर जाते हैं इसका मतलब आप समस्या में पड़ जाते हैं। तो जैसे ही गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब होता है, तो हमेशा उसका रिलेशन किससे होता है, इन ट्रबल, हमेशा उसे कैसे रिलेट कर देते हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं कि वो परेशानी में पड़ गया है, ही गॉट इन टू ट्रबल। ठीक है, ऐसा ही एक मुहावरा होता है जैसे कहते हैं कैट ऑन द हॉट ब्रिक। अब इसको समझिए कि एक गरम जो है वो ब्रिक है, मतलब ईंट है, और उसी पर बिल्ली को बिठा दिया जाए, अगर गरम ईंट पे बिल्ली को बिठा दिया जाएगा तो क्या वो आसानी से बैठी रहेगी, क्या वो कंफर्टेबल रहेगी क्या? तो आप बोलोगे कंफर्टेबल नहीं रहेगी सर, ये तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई, ये तो सर वैसे ही हो गया जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर हो जाता है। तो एक मुहावरा अगर होता है फिश आउट ऑफ वाटर, तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब भी होता है अनकंफर्टेबल, और इसका मतलब भी क्या होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो जब कभी हम बात करते हैं गेट कैट ऑन द हॉट ब्रिक, उसका मतलब अनकंफर्टेबल, या मैं कह दूं कि फिश आउट ऑफ वाटर, उसका मतलब भी क्या हो जाता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। गेट इनटू हॉट वाटर ना, गर्म पानी में पड़ जाना, मतलब कि ट्रबल में पड़ जाना, परेशानी में पड़ जाना। ठीक है, और ऐसे ही एक मुहावरा होता है जो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता दूं, आई होप बता ही देना चाहिए, ये एक मुहावरा यहां पे मैं लिख देता हूं, फेस द म्यूजिक। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक कहते हैं जैसे तुमने कर्म किया है वैसे संगीत सुनो, इसका मतलब है कि जो भी आपने गलतियां करी हैं उसके लिए दंड प्राप्त करो, मतलब फेस द म्यूजिक का मतलब भी होता है टू गेट पनिशमेंट। तो आज के बाद अगर कभी भी ये सारे मुहावरे आते हैं तो आप उन्हें रिलेट कर लीजिएगा, वो चाहे मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल हो जाए, चाहे गेट इनटू ट्रबल हो जाए, गेट इनटू हॉट वाटर हो जाए, कैट ऑन द हॉट ब्रिक का बात कर ले, फेस द म्यूजिक का बात कर ले। ठीक है ना, तो ये जितने भी, या मैं पिछले वाले में जो एक दो मुहावरे की बात हुई थी इसकी चर्चा में कर लूं, जब ब्रिंग टू द बुक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा आसानी से आप चीजों को समझ लेंगे। इस तरीके से 5 से 6 मुहावरों की हम लोगों ने चर्चा की, idioms की चर्चा की, इसी तरीके से हम लोग और भी वर्ड्स पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आने वाले समय में, अभी आज क्वेश्चंस ज्यादा हैं, इस वजह से ज्यादा फ्रेजेस नहीं लिए गए, idioms या फ्रेजेस ज्यादा नहीं लिए गए, आगे की क्लासेस में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। 25th तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, 26th तक कंप्लीट कर लिया था, आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 27 से। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी लेक्चर्स मैं पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले उन्हें कंप्लीट कर लें और फिर क्वेश्चंस पे आए। देखो पहला सेंटेंस है, आप इसका जवाब मुझे जल्दी से दीजिए। 27th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज that the college had to stop issuing application forms, no error। तो एक पार्ट हो गया, दो पार्ट, ऐसे करके 4 पार्ट दिए गए हैं, और उन्हीं पार्ट को आपको पता करना है कौन सा पार्ट गलत है।
अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ो और अगर आपने रूल्स को पढ़ा होगा तो 100% एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहां एक कीवर्ड जो है द नंबर ऑफ दिया गया है, और द नंबर ऑफ के बाद का जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और हम सब जानते हैं कि पीपल जो है वो प्लूरल होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में यही डिफरेंस होता है कि अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद चाहे जैसा नाउन हो लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि ये एक यूनिट को दिखाता है। तो यहां पर वॉज होना चाहिए था, ना कि वर्ब होना चाहिए था। तो सेंटेंस एक एग्जैक्ट समझ में आ गया, मतलब कि बी पार्ट में मिस्टेक है, द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे सब्जेक्ट द नंबर के अनुसार वर्ब लगेगी, और वहां पर वर्ब की जगह पे क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले लेक्चर्स रूल्स में जाकर के इन्हें देख सकते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जवाब आप पहले देंगे फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप फेवर्स इट। राइट, तो चलो सेंटेंस को जल्दी से पढ़ो और देखो क्या गलत है, उत्तर जल्दी से कर दो। देखो, द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी इफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स मतलब प्लूरल, और इसके साथ वर्ब कैसी लगी हुई है, फेवर्स सिंगुलर, तो जैसा करता वैसी वर्ब तो है नहीं, एस को हटा देंगे अगर फेवर कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब यूज करनी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, और इस तरह से 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा पार्ट, सी पार्ट एरर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। देखो सेंटेंस को पढ़ते समय खुद ध्यान दो कि 29 इसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया होगा जिससे क्या कहते हैं ये पता चलेगा कि इसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से करिए, बताइए। द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड, ये हैव नाम की क्रिया है और हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, हम इसकी बात तो कर नहीं रहे गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गया है, तो हैव होगा या हैज होगा, तो बी पार्ट में एरर होगा, सब्जेक्ट जैसा है वैसे ही वर्ब लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट वैसे भी देखा जाए तो सिंगुलर ही है, और सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा, मिस्टेक जो होगा वो किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए फास्ट 5 सेकंड के आपके पास समय होंगे, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप आंसर कर दीजिए। द एम्प्लॉइज यूनियन ऑफर्स स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रेन हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। देखो एम्प्लॉइज यूनियन, बात समझो, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, यहां पे एम्प्लॉइज का बात हो रहा है या उसके यूनियन का बात हो रहा है, तो आप कहोगे एम्प्लॉइज यूनियन का बात हो रहा है, तो जब सब्जेक्ट में एम्प्लॉइज यूनियन का बात हो रहा है तो इसका मतलब यह है एम्प्लॉइज यूनियन, यूनियन एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और सेंटेंस यहां तो करेक्ट है, लेकिन अगली जगह अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि चिल्ड्रेन करता है, और चिल्ड्रन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु लिखा हुआ है, क्या हमने आपको रूल पढ़ाते समय रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा नहीं की थी क्या, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है, इसका मतलब चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहां पर हैज और हैव में से क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, जो कि करेक्ट होगा, ना कि हैज होगा। तो इस तरह से पहले वाले में तो सब्जेक्ट और वर्ब एकदम मैच कर रही सही है, लेकिन दूसरी जगह पे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग गलत है, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, और इसलिए आपका जो मिस्टेक होगा वो कौन सा हो जाएगा, जो मिस्टेक होगा वो पार्ट हो जाएगा बी। चलिए इस तरह से 29 और 30 क्वेश्चन हो गए, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और ये जल्दी से आप रिप्लाई करिए 31st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31st का रिप्लाई पहले आप करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट एंड राइटली सो। सेंटेंस में देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो आया है, रूल को याद करिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट दूसरे वाले सब्जेक्ट को मेन कर्ता बनाता है, और दूसरा वाला सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी ही वर्ब होगी ना, तो क्या मैंने बताया था आइदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, या और से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, या केवल नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जब इन चार चीजों से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों
तो जब ऐसे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं एक और दो, तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा वो मेन होगा और दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाएगी। तो ये जब संस है प्लूरल और वर्ब ही है प्लूरल तो ये तो दोनों करेक्ट है, तो इस वाले पार्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है और उत्तर हो जाएगा फिर डी पार्ट। पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो देयर इज नो मिस्टेक, क्योंकि जैसा करता वैसी क्रिया। कभी कभी लोग क्या सोचेंगे ना, ही को सब्जेक्ट मान लेंगे, और ही को सब्जेक्ट मान लेंगे तो हमेशा ही के हिसाब से वॉज को सही कर देंगे, जो कि एरर पार्ट बना देगा। चलो 32nd नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर होगा। फास्ट, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स। फिर वही कहानी, नाइदर के साथ एक करता, नॉर के साथ दूसरा करता। क्लोथ्स का बात नहीं हो रहा है, कलर का बात हो रहा है। तो जब दो करता है तो करता दूसरा वाला मेन, मतलब कलर मेन, ठीक है ना। और कलर मेन है उसके साथ, देखो एक वर्ब लगी है वर्ब। अब आप कहोगे सर इतना दूर कैसे, थोड़ा इसको और समझो। यहां लिखा है विच, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच के बाद आई परचेस्ड, आई के हिसाब से परचेज तो सही है। ये जो परचेस्ड नाम की वर्ब है ना, ये तो विच के लिए आई है, मतलब की ये सॉरी आई के लिए आई है। लेकिन ये जो वर है ये आया हुआ है कलर के लिए, करता ये और वर ये, तो कलर क्या है सिंगुलर है और यहां पर क्या होगा वॉज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना ऐसे वाक्यों में कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन बीच में दे करके जो मेन वाली वर्ब होती है उसको लेट बाद में दे देता है। जैसे ये वर जो है ये टेक्निकली कलर के लिए यूज हुई, लेकिन आप जल्दबाजी में क्लोथ समझ सकते हैं तो गलत कर सकते हैं। तो कलर का बात हो रहा है कि क्लोथ्स का, देखो द कलर ऑफ द क्लोथ्स, तो कलर का बात हो रहा है, कलर के हिसाब से वॉज होना चाहिए और मिस्टेक पार्ट जो होगा वो सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ 33 नंबर क्वेश्चन में कौन सा मिस्टेक होगा और कौन सा पार्ट गलत होगा, एरर फाइंड आउट करना। सम पीपल फील्स डिप्रेस्ड व्हेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ओन कैपेसिटीज। अगर आप इस चीज को देखते चलिए, यहां पे दे लिखा है, यहां पे डू नॉट लिखा है ना, यहां पे सम पीपल लिखा है और यहां पर फील्स लिखा है। बच्चे सम पीपल तो प्लूरल है और फील्स कैसा है सिंगुलर है, इसको क्या बनाना पड़ेगा प्लूरल बनाना पड़ेगा। और प्लूरल बनाओगे तो कैसा बनाओगे, फील लिखोगे, फील लिखोगे तब तो प्लूरल होगा। फील्स लिख दोगे तो एस और ईएस लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ता प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। और यहां पे देखो दे लिखा हुआ है, दे के साथ थिंक लिखा हुआ है, यहां तो कोई मिस्टेक है नहीं, यहां के साथ दे डू नॉट लिखा हुआ है, तो ये सब में कोई मिस्टेक नहीं है। सबसे फर्स्ट पार्ट ही गलत है, देखो सम पीपल फील होना चाहिए ना कि सम पीपल पीपल फील्स होना चाहिए, तो ए पार्ट जो है वो एरर हो जाएगा। बताते चलिए अगर कोई मिस्टेक आपको लग रही हो या बहुत जल्दबाजी में मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। स्पीड को कम अथवा ज्यादा भी कर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नहीं तो यूट्यूब ने वो प्रावधान दे रखा है आप उसे कम अथवा ज्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी से आंसर करिए पहले आप, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन, राइट। जल्दी से सेंटेंस को पढ़िए, खुद ही समझ में आएगा कहां कहां से मिस्टेक हो सकती है। देखो कीवर्ड क्या मिला, वन ऑफ दोस, ज्यादातर जो वर्ड कीवर्ड मिलेगा वहीं से मिस्टेक बनने के चांसेस होते हैं। वन ऑफ दोस, अब दोस के बाद बिना रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन से मिस्टेक बनती है। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी, तो ये दोस कैसा है, बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे इज होगा कि आर होगा, आप खुद भी समझ के बता दोगे कि आर होगा, बहुत इजी है। सेंटेंस को पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा कीवर्ड होता है और कैसे उत्तर उसके करने हैं, कैसे उसको करेक्ट करना है। एंड दिस यू विल ग्रेजुअली नो, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी कि हाँ सर ऐसा होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलो मैं सॉल्व कराता हूं आपसे, 36 वाले को आपको बताना होगा। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलोंग विद, देखो अलोंग विद नाम का वर्ड आ गया, याद करिए, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकंपेन्ड विद, ठीक है ना, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, रादर देन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जिनसे दो कर्ता जुड़े होते थे, नंबर एक कर्ता और नंबर दो कर्ता। और मैंने कहा था कि जब कभी लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स से कर्ता दो जुड़ जाए तो पहला वाला कर्ता मेन होता है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने रूल्स में कई बार पढ़ रखे हैं भाई। और ये जब पहला वाला वर्ड मेन होगा तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आर थोड़े लगेगा, फिर इसकी जगह पर इज लगाओगे, ठीक है, और मिस्टेक बी पार्ट में हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 खुद बताओ, पहले आप बताओगे फिर उसके बाद मैं आंसर करूंगा, 5 सेकंड का समय आपके पास।
पढ़ो और बताओ, जल्दी से आंसर करिए। डन, देखो लेमैन इज ब्लाइंड, लेमैन के साथ इज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इन वन आई एंड देयरफॉर, ठीक है। अब बात किसकी कर रहे हो, लेमैन की, एंड से जुड़ेगा और एंड के तुरंत बाद अगर कोई क्रिया आती है तो उसी सब्जेक्ट को तो लेगी, लेमैन को ही मानेगी। तो लेमैन के लिए ही एक्सपीरियंस नाम का शब्द प्रयोग किया गया है। एक्सपीरियंस एक क्रिया है जो कि सिंगुलर बनेगी तो एक्सपीरियंसेस बन जाएगी, ना कि एक्सपीरियंस। तो जब एक्सपीरियंस में हम लोग एस और ईएस लगाएंगे तो वो एक्सपीरियंसेस हो जाएगा, ना कि एक्सपीरियंस। तो यहां पर एक्सपीरियंस को सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपीरियंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस बी पार्ट में एरर होगा, क्योंकि देखो एंड से जुड़ा हुआ है तो जब इसका सब्जेक्ट ये है तो इसी का दूसरे वाले का भी सब्जेक्ट तो यही लेमैन ही कंसीडर होगा। तो लेमैन सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की जगह क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न, 10 सेकंड का समय, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत इजी है, बस पढ़ो एक बार आसानी से और पढ़ करके खुद रिप्लाई करो कि कौन सा सही होगा। People who are fortunate enough to own a house in the city are very few. क्या समझना है? समझने वाली कुछ बातें ऐसी हैं, ये आर नाम की क्रिया है, हु के बाद आई है तो पीपल के अकॉर्डिंग होगी, आर एकदम सही है। उसके बाद एक दूसरी क्रिया आई हुई है और वो किसके लिए होगी, पीपल के लिए होगी। ऐसे कई केसेस हम पढ़ चुके हैं जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है और एक क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होती है, एक क्रिया उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहां पर हु आर पीपल के हिसाब से और पीपल के लिए आर, जब दोनों की दोनों क्रिया सही है तो यहां पर कोई भी मिस्टेक नहीं है और ये एरर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नो एरर। पढ़ के देख लो, पीपल हु आर फॉर्चुनेट एनफ टू ओन अ हाउस, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इन द सिटी। आपको बस ये समझना था कि ये आर जो है वो हु के अकॉर्डिंग, मतलब पीपल के अकॉर्डिंग है और दूसरी वाली क्रिया पीपल के लिए है। तो इस तरह से ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है और आपका उत्तर हो जाएगा नो एरर। चलो 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए 38 नंबर क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट होगा और कौन सी पार्ट में एरर होगा। द चेयरमैन डिसाइडेड दैट द बोर्ड मीटिंग वुड कमेंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट 2/3 ऑफ मेंबर्स वॉज एबसेंट, 2/3 of members was absent. ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट बने, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे मानो कभी कभी सेंटेंस लिखा होता है, कभी कभी सेंटेंस लिखा होता है ऐसे, 1/3 ऑफ, समझो बात, 1/3 ऑफ, ऐसे ही कभी कभी लिखा होता है 2/3 ऑफ, ऐसे ही 3/4 ऑफ ना लिखा होगा। और इसके बाद बच्चे जब भी कभी काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा कैसा प्लूरल, क्योंकि ये बात हमारी आपकी तो कई बार हो चुकी है कि इस स्ट्रक्चर में काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा। अब सुन के देखो, जब ज्यादा लोग हैं उनका जब 1/3 निकालोगे तब पर भी तो ज्यादा ही रहेंगे, तो अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आए तो हमेशा वर्ब प्लूरल रखना, और अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जैसे कि यहां पर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर लगा देना। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि 2/3 of water होगा तो water uncountable तो क्रिया भी एकवचन की, और अगर 2/3 of people हो जाए तो people बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन की। अब इस सेंटेंस को एक बार समझिए, 39 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन को अब मन लगा के पढ़िए, समझ में आएगा। कहा गया है 2/3 of members, 2/3 of members, तो 2/3 of members, members plural है तो verb भी कैसी होनी चाहिए, चलो क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी से बताइए। The entire cabinet as well as, देखो अगर आपको चीजें समझ में आ रही ना तो 5 सेकंड का उत्तर है केवल, as well as मिला,
एज वेल एज के साथ नियम क्या होता है, दो कर्ता जुड़े होंगे, पहला वाला कर्ता मेन होगा, तो एक कर्ता ये जुड़ा है, दूसरा कर्ता ये जुड़ा हुआ है, और मेन कौन होगा, पहला। इंटायर कैबिनेट एक वचन है, तो क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन होगी, हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज। फटाफट आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो फिर झूलते रहोगे, ऐसे यस करते रहोगे, ये सही होगा वो सही होगा, कॉन्सेप्ट पे 10 सेकंड में रिप्लाई कर दोगे तुरंत के तुरंत, और करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो बताओ, कोई बताओ जल्दी से, 40 नंबर क्वेश्चन है, 40। There is only one of his nobles. बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मैं यहां से एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना चाहता हूं। देखो अगर only नहीं होता, एक मिनट के लिए सोचो, यहां पर only नहीं, ये only नहीं है, अगर only नहीं होता बच्चे, तो there is one of his nobles ना, और that के बाद R होता, क्योंकि nobles के according R हो जाता। अगर only ना होता तो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, नहीं तो पेपर में भी गलत करके चले आओ, कि जब कभी किसी वाक्य में ओनली वन आ जाए, तो ओनली वन आने के बाद ये चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, लेकिन क्रिया हमेशा ओनली के अकॉर्डिंग इज होगी। अगर ओनली नहीं होता, वन होता, तो वन ऑफ हिज नोबल्स होता, और नोबल्स के बाद दैट चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता और सामान्य नियम चलता, दैट के बाद की क्रिया दैट के पहले वाले कर्ता अनुसार, नोबल्स प्लूरल है तो आर लग जाएगा, ऐसा होता। लेकिन केवल और केवल एक चीज के आने से सारा मामला बिगड़ा हुआ है, और वो एक चीज कौन सी है, वो एक चीज ये वाली है। देखो ओनली वन आया है ना, ओनली वन जब कभी भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब आगे सिंगुलर ही रहेगी, तो ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर रखिएगा, करेक्ट होगा। और ओनली वन को अगर केवल मैं ओनली को हटा दूं और वन रहने दूं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता अभी। तो ये एक स्ट्रक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गलती अक्सर आप करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन बताइए, ये पढ़ाया है और आसानी से आप कर लेंगे, बस एक बार पढ़िए, पढ़ेंगे खुद ही सॉल्व हो जाएगा। दिक्कत लगता है ना तो वीडियो को रोक करके पढ़ करके गेस करो कि कौन सा वर्ड ऐसा दिया गया है जिनसे गलतियां हो सकती हैं। तो पहला सेंटेंस दिया है ऑल द बॉयज अलोंग विद, तुरंत पढ़ते पढ़ते पता लग गया कि मिस्टेक इसी से बनेगी, अलोंग विद से, क्योंकि वर्ड ही वैसा दिया गया है। अलोंग विद का नियम बताओ, पहला कर्ता मेन होता है, पहला कर्ता कौन है, ऑल द बॉयज। जब कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन की होगी, और इसकी जगह पर आर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्रपोजल्स। यहां पे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है, कर्ता कौन होगा, मोस्ट, मोस्ट बहुवचन होता है, क्रिया भी बहुवचन है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द मेंबर्स होता तो इज होता, मोस्ट तो प्लूरल है, मोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब भी प्लूरल है, जब कर्ता भी एक वैसा, प्लूरल भी वैसा, ना वर्ब भी वैसी, तो कर्ता और वर्ब में कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर नो एरर हो जाएगा, और तो किसी चीज में कोई मिस्टेक है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43, द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशंस, द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशंस डू नॉट, अरे बच्चे बात तो आरबीआई का हो रहा है, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, बताओ खुद ही बता दो, डज नॉट हो जाएगा। तो बात देखो विच लिखा हुआ है, मैंने कहा आरबीआई जो कि बैंकिंग ऑपरेशंस को मॉनिटर करती है, वो रिसोर्स उसके पास नहीं है ना, तो डू नॉट हैव या डज नॉट हैव, तो बात तो आरबीआई की हो रही है, आरबीआई की होगी तो फिर क्रिया कैसी लगेगी, आरबीआई के अकॉर्डिंग लगेगी। चलो 44 नंबर प्रश्न आप बताओ जल्दी से, बहुत ईजी है, पढ़ो और आंसर करो, 10 सेकंड के टाइम है आपके पास। बताइए, रियल एस्टेट प्राइसेस इन दी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी आर, अरे बच्चे रियल एस्टेट प्राइसेस इन दी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी आर एक्सपेक्टेड टू राइज एट 15% दिस ईयर, ठीक है ना। तो रियल इस्टेट प्राइसेस अगर है और यहां पर फिर प्राइसेस के अकॉर्डिंग हमने आर भी लगा रखा है, तो नो एरर पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ, देयर इज लॉट्स ऑफ पर्सन अमंग द एम्प्लॉइज हु, अब देखो हु नाम के क्रिया है, हु के पहले एम्प्लॉइज हैं और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। प्रपोजल्स टू मर्ज विद द प्रेजेंट कंपनी, There is lot of person. हाँ, mistake तो यहां है,
देयर का एक नियम होता है बच्चे कि देयर के तुरंत बाद आई हुई क्रिया उसके बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे देयर इज अ पेन और देयर आर मेनी पेन्स, तो ये पर्सन्स प्लूरल है तो यहां पर इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा आर होना चाहिए। देयर का नियम याद रखना, देयर के तुरंत बाद आई हुई क्रिया जो है वो देयर के बाद आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से 45 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बताइए 46। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, पढ़ो सेंटेंस को पढ़ो आप खुद ही समझ जाओगे। रिजर्व बैंक इंडिया का जो डिसीजन है, तो बात किसकी कर रहे हो, इंडिया का की डिसीजन का की बैंक का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजन का बात कर रहे हो। डिसीजन कैसा है, एक वचन है, तो एक वचन है तो इसके साथ हैव लगाओगे क्या, क्रिया भी तो एक वचन की लगाओगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू वेव ऑफ चार्जेस हैव पुट नहीं बल्कि हैज पुट होगा। कंफ्यूजन कहां से होगी, चार्जेस से। तो भैया चार्जेस कोई सब्जेक्ट थोड़े है, सब्जेक्ट तो हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक इंडिया का जो डिसीजन है कि माफ कर दिए जाएंगे चार्जेस ना, हैज पुट बैंक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस डिसीजन ने ना बैंक को डिफिकल्ट सिचुएशन में पुट करा है, ना कि चार्जेस ने। तो डिसीजन सब्जेक्ट है और डिसीजन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। चलो 47 नंबर प्रश्न बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, द प्रोजेक्ट विच इज फंडेड, देखो विच के बाद इज लगा हुआ है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज फंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम। अब यहां पर हैज लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, एक क्रिया तो इसके अकॉर्डिंग हो गई, दूसरी वाली क्रिया भी तो इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ हैज लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो जाएगा। ये कई स्ट्रक्चर मैच कर चुके हैं भाई, देख लेना। जैसे अगर मानू यहां पे मैं क्या कर देता, मान लीजिए एक सेंटेंस में लिख दूं आपको थोड़ा समझाने के लिए, इसी से एकदम मिलता जुलता, देखो समझो। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, एकदम इसी से मिलता जुलता मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा देखिए। जैसे मैं लिख दूं द प्रोजेक्ट्स विच आई फंडेड, द प्रोजेक्ट्स विच आई फंडेड, और सब कुछ ऐसे ही लिखते विच आई फंडेड ना लास्ट ईयर ना हैज हेल्प्ड, मैं सारी सेंटेंस ऐसे पूरा लिख दे रहा हूं, समझो बात को। द प्रोजेक्ट आई फंडेड, द प्रोजेक्ट आई फंडेड, यहां मैंने प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है विच आई फंडेड, तो भाई विच के तुरंत बाद क्रिया तो है नहीं, तो ये फंडेड आई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये वाली वर्ब जो है प्रोजेक्ट्स के अनुसार नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली वर्ब आएगी वो तो प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगी, तो प्रोजेक्ट्स प्लूरल होगा तो यहां हैज ना होगा कि क्या होना चाहिए था है। तो समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। तो ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, प्रोजेक्ट ही सिमिलर है तो प्रोजेक्ट के लिए हैज लगा हुआ है, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका उत्तर जो होगा 47 वाले का, इसका एरर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, आंसर हो जाएगा नो एरर। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स रिक्वायर, देखो ये स्कीम है और इसी के लिए रिक्वायर है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो जब स्कीम सिमिलर है तो रिक्वायर को सिमिलर बना दो रिक्वायर्स करके, ठीक है ना। देखो ये विल बी में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके अकॉर्डिंग दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ये जब सिंगुलर है तो ये रिक्वायर्स होना चाहिए ना, ना कि रिक्वायर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी के अर्थ निकालने की कोशिश मत करिए, आपसे हिंदी में आप पारंगत रहें ऐसा परीक्षा नहीं चाहती, आपसे वो चाहती है कि लॉजिक आप लगा पाए किसके प्रयोग होने से कहां पे एरर बनती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 एंड 50, बताओ। द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम of understanding with the company to set up a plant in the state, क्या दिक्कत है, government singular है, has लिखा हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, no error पे चले जाओ। Question number 50 बताओ, ancient artifacts are a part of global heritage and should not be sold to the highest bidder, ठीक है ना। Ancient artifacts are
अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज। आर्टिफैक्ट्स जो है वो भले ही प्लूरल जैसा दिखता है बट होना नहीं चाहिए, तो इसलिए ए पार्ट को आप एरर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इस पे अपने लॉजिक्स और अपने तर्क भी दे सकते हैं आपको अगर कोई और विकल्प लगे तो। क्वेश्चन नंबर 51 है, द जर्नलिस्ट अलोंग विद, फिर वही बात आ गई, अलोंग विद आया नहीं कि तुरंत नियम लागू कर देना है, फर्स्ट वाला कर्ता मेन होगा तो ये मेन होगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, तो वर्ब वॉज में से क्या होना चाहिए, वॉज। फटाफट आंसर करो 52 नंबर क्वेश्चन, ड्राइवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज रेसिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी हैज, तो भैया जब कर्ता किसकी बात कर रहे हो, रेसिडेंट्स का बात कर रहे हो तो यहां हैज होगा कि हैव होगा, रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग हैव होना चाहिए। हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कल से आज तक में, अब आपका धीरे धीरे ना स्पीड बढ़ना चाहिए। अगले जो 25 क्वेश्चन आएंगे वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल बताऊंगा सब्जेक्ट और आपको तुरंत वर्ब पे पिन करेंगे कि बताएंगे ये वर्ब होनी चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव, बात किसकी कर रहा हूँ, टैक्स ट्रीटी की, ट्रीटी एक वचन है तो क्रिया ट्रीटी के अकॉर्डिंग होगी, हम इंडिया और स्विट्जरलैंड की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो संधि हुई है, तो ट्रीटी सिंगुलर है तो वर्ब कैसा, सिंगुलर, अगर यहाँ ट्रीटीज होता तो फिर वहां पे हैव होता, राइट। तो इस तरह से आपको बस 5 सेकंड लगाना है और उत्तर करते चले चलना है। देखो यहाँ रेसिडेंट्स का बात हो रहा था, निवासियों की बात हो रही, रेसिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी, हम लोकेलिटी का बात नहीं कर रहे, लोकेलिटी के जो निवासी हैं रेसिडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल था तो यहाँ भी प्लूरल, यहाँ पे ये सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग कर दी जाएगी। जल्दबाजी में आप आंसर चाहे तो थोड़ा सा गेस करें, जैसे कि कब तक इतना समय लगाते हुए चलेंगे, जब समय बहुत ज्यादा ना लगाना हो और समय की ही रेस चल रही हो। तो समय जितना कम लग सके उस पे काम करिए, बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन है और आपको जल्दी से आंसर करना है, बताओ आंसर करो। द डोर वॉज ओपन बट नो वन वर देयर, अरे भैया कर्ता जब नो वन है तो वर का है, वॉज होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन, फटाफट 10 सेकंड के उत्तर होने चाहिए, बहुत देर लगा रहे हो आप लोग, आंसर करो जल्दी से। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, तो बताओ द होल ब्लॉक, बात किसकी कर रहे हो, ब्लॉक का कर रहे हो या फ्लैट्स का बात कर रहे हो। एक चीज और देखो, इंक्लूडिंग नाम का वर्ड है, इंक्लूडिंग नाम का वर्ड है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग नाम का वर्ड, जैसे मैंने कहा था लाइक अनलाइक इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना, अकम्पेन्ड विद अकम्पेन्ड बाय, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनसे दो कर्ता जुड़े होते हैं तो पहला वाला कर्ता मेन होता है, जब ब्लॉक ही मेन करता है तो वॉज लगा हुआ है तो सेंटेंस में कौन सी दिक्कत है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग टू शॉप्स, तो हम टू शॉप्स को कर्ता नहीं मानेंगे बल्कि ब्लॉक को कर्ता मानेंगे, और फ्लैट्स को भी नहीं मानेंगे, होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स के जो ब्लॉक हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये होल ब्लॉक कर्ता होगा, ब्लॉक के अकॉर्डिंग वॉज होगा, नो एरर होगा। 56 बताइए, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आर मेकिंग अ लास्ट डिच अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू फार्मर्स बट द ओपिनियंस इज क्लियरली, बट देखो बट के बाद ओपिनियंस बहुवचन है, इस भी कैसा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि ये मैच नहीं कर रहा है, ओपिनियंस प्लूरल है और फिर वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। चलो भाई जल्दी से बताओ 57 नंबर क्वेश्चन, आप ही बताओगे, बहुत आसान है। द मैन विद ऑल द बर्ड्स, देखो की वर्ड ढूंढो सबसे पहले, की वर्ड क्या है, सेंटेंस के अर्थ मत निकाला करो, विद मिला विद कीवर्ड हो गया, विद से दो कर्ता जुड़ा, पहला वाला कर्ता मेन होगा, पहला कर्ता कौन, मैन, मैन के हिसाब से क्या लिप्स लिखा हुआ है, द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिप्स ऑन स्ट्रीट, तो मैन एक वचन, क्रिया भी एक वचन, नो एरर। जल्दबाजी में मिस्टेक कैसे कर सकते थे, बर्ड्स प्लूरल और वर्ब इसको लिव कर देते, नहीं भाई विद से जब दो कर्ता जुड़ा तो पहला वाला कर्ता मेन और क्रिया उसके अकॉर्डिंग। आपको अगर ये बातें आपने लेक्चर पढ़े होंगे, नियम पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार ये काम कर लीजिए कि जाकर के प्लेलिस्ट में वो सारे रूल्स को पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो इजी लगने लगेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ
वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। तो भैया वेरियस डिपार्टमेंट्स बहुवचन है और फंक्शंस एक वचन है, इसका एस हटा दो, फंक्शन कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब देखो टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ, हाउ के बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स बहुवचन है और वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए लगा हुआ है कि कैसे वो फंक्शन करते हैं, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और वर्ब में यस और यस लगा रहता है तो वो सिंगुलर होती है। यस और यस हटा दो, फंक्शन कर दो और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द टू साइड्स इज द टू साइड्स। भैया पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दो अलग अलग चीजें जुड़ी हैं, तो एक वचन की बहुवचन, बहुवचन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें एंड से जुड़ी हो तो प्लूरल। हाँ, अगर वो होता कि एक के पहले आर्टिकल लगा होता दूसरे के पहले नहीं लगा होता तो वो सिमिलर होता। ठीक है, याद आ रहा है कल ऐसे क्वेश्चंस किए हुए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसे आप बताइए जल्दी से, आंसर करिए क्या होगा इसका उत्तर। मोस्ट ऑफ द सिटीज अग्री दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज appeared in recent years. पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, खुद ही अभी आंसर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर, मोस्ट बहुवचन, आर भी बहुवचन, अग्री ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, अभी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज वन ऑफ, कीवर्ड देखो मिल गया होगा, वन ऑफ द, वन ऑफ कीवर्ड कैसे होता है, वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होता है, देखो है, और फिर यहां लिखा हुआ है दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कीवर्ड होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद की क्रिया नॉवल से मैच करनी चाहिए, जो कि नहीं मैच कर रही है, प्लूरल कर दो, हैव कर दो, मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने आज 26 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अभी एक और लेक्चर आएंगे जिसपे हम आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तो चूंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं तो हो सकता है आपको रूल्स पढ़ने के बाद चीजें इजी लग रही हो, आगे आने वाले समय में जब हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ेंगे दो तीन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो आपको और चीजें समझ में आती जाएंगी। परेशान नहीं होना है, लगातार जुड़े रहना है और क्लासेस करते रहना है, और जो भी डाउट हो वो पूछ लो, बता दो, ठीक है, हम उस पर भी बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।